कर दिया चल। लाइट्स कैमरा एक्शन तो बोल यार, सेकेंड वीडियो ऐसे रिलीज कर दूं क्या, सारे ब्लूपर्स के साथ, सारे ब्लूपर्स के साथ। हेलो गाइस, स्क्रॉलर चैनल पे आपका स्वागत है। और बहुत बुरी आदत है गाइस स्क्रॉलिंग की, देखो इससे भी मैं स्क्रॉल कर, सैमसंग कीपैड वाला है फोन, लेकिन इसमें भी स्क्रॉलिंग करने की आदत है, बहुत बुरी आदत है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इस आदत से छुटकारा ले लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले जरा रिंग लाइट ऑन कर देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सब लोगों ने जिस तरीके से फर्स्ट वीडियो को मेरे लाइक किया हुआ है, जिस तरीके से व्यूज़ मेरे फर्स्ट वीडियो का है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा फर्स्ट वीडियो 190 प्लस व्यूज़ में चला जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो हाजिर हूँ मैं मेरा अगला वीडियो लेकर थोड़ी बहुत एडिटिंग के साथ। और पहला जो वीडियो था उसका नाम था इलेक्शन, और ये जो सेकेंड वीडियो है इसका नाम है लैंग्वेज। तो गाइस लैंग्वेज नाम क्यों रखा उसका भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हमारी लैंग्वेज जो है, ज्यादातर हिंदी बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज हिंदी है राइट, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में बात करते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश, लोग ऐसे हैं जो कि इस लैंग्वेज में कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाते, स्पेशली कुछ लोग वो समझ नहीं पाते। तो ऐसा एक मेरा पड़ोसी है, बूढ़ा है और सफेद बाल है उसके, और लंबी दाढ़ी ग्रो किया है उसने, और पहले बहुत गरीब था, वो चाय बेचा करता था, लेकिन अभी वो अचानक से अमीर बन गया है। उसकी लैंग्वेज में मैंने कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किया, और वो चेंजेस या फिर कुछ वो फ्रेजेस मैं आपके सामने आज बताने जा रहा हूँ। आपको अगर सही लगता है तो आपको मालूम है क्या करना है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज, जैसे कि हम सब इंडियन है, हम सबको पता है कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज या फिर मातृभाषा ज्यादातर लोगों की हिंदी है। तो हिंदी लैंग्वेज जनरली इंग्लिश की तो समझो वाट लगी पड़ी, दुर्गति, इंग्लिश की तो दुर्गति हो गई है इंडिया में, लेकिन कि हम लोगों की हिंदी की भी अच्छी खासी प्रॉब्लम है। कुछ लोग जैसे कि ये मेरा पड़ोसी जो कि बुढ़ा है, लंबी दाढ़ी रखा है, पहले गरीब था अभी अचानक से बड़ा आदमी बन गया है, तो ये भी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि एक सेकेंड मुझे लगता है कि अरे क्या बोल रहा है ये, मैं एक सेकेंड सोचता हूँ, लेकिन फिर कुछ बोल तो नहीं सकता हूँ क्योंकि बुढ़ा है और वो सुनता नहीं है किसी की, और जहाँ पर भी कैमरा रहता है वहाँ पर उसकी पहले नजर चली जाती है। आज इसी दोस्त की लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। हो सकता है आप सभी के भी दोस्त या फिर आपके फैमिली मेंबर्स इन लोगों की लैंग्वेज ऐसी हो जिसमें आपको एक सेकंड सोचना पड़ता हो कि अरे ये कहना क्या चाह रहा है। तो जब भी ये मेरा पड़ोसी कोई भी चीज बोलता है मुझसे, तो मुझे लगता है इसके सेंटेंस में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये दोस्त जो है ये फोटोग्राफी का शौकीन है, जहाँ पे कैमरा रहता है वहाँ पर सबसे पहले उसकी नजर चली जाती है। तो उस दिन मैं उससे ऐसे मिलने के लिए गया, तो उसने कहा कि अरे यार मेरी एक फोटो ले लो, तो मैं बोला ठीक है। तो थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का शौक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है, तो मैं लोगों के भी फोटोज ले लेता हूँ वाइल्ड एंगल से। तो उसने सबसे पहली बात मुझसे कही कि भाई मेरी अकेली की सोलो फोटो ले। मैं एक सेकेंड के लिए रुक गया, मैं बोला अकेले की सोलो, सोलो का मतलब क्या होता है वैसे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। फिर उसने कहा कि मेरा नजदीक से क्लोजअप फोटो ले। And I was like, close up का मतलब क्या है वैसे? अरे कहना क्या चाहते हो? फिर फोटो लेने के बाद उसने कहा कि भाई फोटो में ना पीछे का बैकग्राउंड सही नहीं है, बैकग्राउंड तो पीछे ही होता है ना। और उसके बाद मुझे वहां पर रुका नहीं गया और मैं उसके घर से तुरंत चला गया, क्योंकि वो जो बोल रहा था वो लैंग्वेज मुझे सही से समझ में नहीं आ रही थी। और फिर कुछ दिनों बाद उसका फोन आता है और वो कहता है कि तो मेरे घर पे पार्टी है और डिनर का प्लान है, खाने के लिए आना है। तो मैं कुछ दोस्तों के साथ उसके घर पे गया, तो उसने खाने के पहले हम सबको कहा कि गाइस गीले पानी से हाथ धो लो, और हम लोग सब एक दूसरे को देख रहे, पानी तो गीला ही होता है ना। और फिर बात बात में उसने कहा कि गाइस बचपन में जब मैं छोटा था, अरे यार कोई समझा दो इसको, बचपन में सब लोग छोटे ही तो होते हैं। फिर उसने कहा कि मुझे स्कूल में हमेशा हमेशा 100 में से 50% मार्क्स आते थे। तो मैंने उसको पूछा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब वही होता है ना 100 में से, तो डबल डबल क्यों बात कर रहे हैं, डबल डबल बात क्यों कर। फिर वो कहता था कि एज पर माय कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो मतलब ये सारी चीजें मुझे थोड़ी सी इरिटेट होने लगी। तो एक दिन ऐसे हम लोग सैलून में चले गए, सैलून में चले गए। तो सैलून में वो सैलून वाले को देख के कहता है कि भाई मेरे चेहरे का फेशियल कर दो। सैलून वाला भी एक मिनट हम लोग को देखने लगे, हम लोग बोले भाई कर दो। तो सैलून वाला भी हमको देख के ऐसा लुक दिया जैसे कि वो पूछ रहा भाई ये किसको लेके आए। फिर वो हमेशा कहता है कि पॉलिटिक्स मेरी पहली प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी का मतलब वैसे पहली चीज होता है ना प्रेफरेंस, और पॉलिटिशियन है तो वो सबका साथ और सबका विकास चाहता है। तो मैंने भी सोचा कि लैंग्वेज में उसकी थोड़ी हेल्प करूं, लेकिन भाई ये सुनने को रेडी ही नहीं है।
सकता। तो अब मैंने उसको समझाना छोड़ दिया, अब वो जैसा बोलता है मैं वैसे सुन लेता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। तो एक और दोस्त है मेरी, वो भी ऐसे ही बात करती है। तो लास्ट टाइम जब हम लोग मिले तो उसने कहा कि अरे मैंने वो काम करी, एंड आई वॉज लाइक अरे मैंने होटल के मेन्यू में पढ़ा अंडा करी, चिकन करी, काम करी नाम का कोई करी नहीं पढ़ा मैंने, तो ये कौन सा करी है, कहना क्या चाहते हो। मतलब देखो लोगों की लैंग्वेज जो है बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है आजकल। फिर उसने कहा कि अरे मैं घर से वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। आई वॉज लाइक घर से वर्क फ्रॉम होम। इन दोनों दोस्तों को जब भी मिलता हूँ ना तब मुझे एक ही डायलॉग याद आता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो इसलिए अभी मैंने इन लोगों को समझाना बंद कर दिया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो हाँ, अगर आपके भी कोई दोस्त ऐसे फ्रेजेस या फिर ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो आप उनको बोलो कि भाई या तो तुम लोग सोच के बोलो या तो बोलो ही मत, हम लोगों को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि नहीं। और उन लोगों को टैग करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ऐसे दोस्तों के साथ जो अलग अलग यूनिक फ्रेजेस फ्रेम करते हैं। और हाँ, मैं जब तक ये लोग कुछ सीखेंगे नहीं तब तक मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बनाकर उन लोगों को समझाता रहूंगा, उन लोगों को अंडरस्टैंड कराता रहूंगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब तक ये लोग सीखेंगे नहीं तब तक मैं रुकेगा नहीं साला। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बेहद धन्यवाद, और याद रखें हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। बाय।